कॉलेज गर्ल को तो दिखा उधर घुमा के भाई, हमको कॉलेज गर्ल मिल गया। सो गाइस आज एग्जाम था और यहाँ पर बैग। सो है गाइस का सब लोग वाले बच्चों के वेलकम बैक टू द माय चैनल। और गाइस मेरे पीछे बाइक खड़ा हुआ है, तो आज मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, बहुत दिन से सोच रहा था कि ब्रेक पैड चेंज करूँ क्योंकि मेरा ब्रेक पैड फुल गया है और मैं ब्लॉक ला ही नहीं पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा कॉलेज के लिए थोड़ा सा चल रहा है, मैं कॉलेज जा रहा था इसलिए मैं इतने दिन से वीडियो नहीं छोड़ा हो। तो गाइज फाइनली वीडियो ला चुका आप लोगों के लिए क्योंकि मेरा ब्रेक पैड एकदम पीछे वाला चला गया है, थर्ड सर्विसिंग हो गया लेकिन मैं ब्रेक पैड नहीं चेंज किया था। तो आज मैं जा रही हूँ ब्रेक पैड चेंज करूँगा, एकदम घिस चुका है। तो ब्रेक पैड चेंज करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। और गाइज ब्रेक नहीं कर रहा है एकदम गाड़ी, मतलब कुछ ढलान वलान में ब्रेक नहीं ले रहा है लेकिन लेता है मतलब डिक्स है ना, तो गाइज एकदम से मतलब जो लोहा होता है ना उसके अंदर का पोर्शन वो वाला घिस रहा है। तो हो सकता है कि डिक्स से हमारा जो पैड होता है उसे क्या बोलते हैं जो प्लेट होता है वो भी चला जाए, इसलिए मैं जल्दी से चेंज कराने की सोच रही हूँ। तो अभी जाती हूँ जाके चेंज करा, तो उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ गाइज। बट गाइज एक चीज़ के लिए मैं सैड हूँ, एक्चुअली मेरा बाइक के एक पार्ट्स टूट गया है। एक्चुअली मैं एक जगह पे था, आप लोगों को पहले बता दूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है। पहले दिखाते हूँ आप लोगों को क्या हुआ है मेरा बाइक पे, क्या नुकसान हो गया है मेरा, ठीक है। दिखाते हूँ आप लोगों, यहाँ पर देखिए गाइस ये वाला हैंडल का जो ये तो क्लच है, तो क्लच का ये वाला जो पोर्शन होता है इस वाला, ये इसे क्या बोलते हैं मतलब लीवर है, तो क्लच लीवर एकदम टूट गया है मतलब। और ये वाला जो चीज़ ये काम नहीं किया, हिल गया ये भी पूरा अंदर से, तो इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस देखती हूँ टाटा जाना पड़ेगा, टाटा जाके इसे चेंज कराऊंगा। और पहले वाले में जो था मेरा आप लोग देखे होंगे मतलब मेरे पहले वाले ब्लॉग में, बहुत पुराना जो है वो वैसे उसमें मैंने जब फास्ट मॉडिफिकेशन किया था तो ये वाला अच्छा चीज़ एक लगाया था, लेकिन वो थोड़ा सा कॉलेज जाने के बाद कोई चुरा लिया था, तो कॉलेज के उसके बाद मैंने ये सब लगाया, लेकिन ये उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता नहीं है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ढीला हो जाता है बार बार। तो इसे मैं सोच रही हूँ कि चेंज करा दूँ, और बाकी तो नुकसान कोई हुआ नहीं है कुछ। और विंग्स लगाया था तो उस यहाँ पर फ्लेम साइडर जो है गाइस ये इसने बचा लिया था, इसने बहुत अच्छी तरीके से बचाया, मैंने सोचा कि गया भाई लेकिन नहीं गया। सो गाइस एक्चुअली क्या हुआ था मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। मैं मतलब सब दोस्त मिलके एक जगह पे जाके हम लोग थोड़ा सा मतलब वो अड्डा बोलते हैं ना ऐसा करते हैं, तो वहाँ पर बैठे थे हम लोग, तो अचानक मन किया कि चलो थोड़ा सा आगे चलते, ठीक है। बाइक का स्टैंड उठाया मैं, उठा उसके बाद बताया एक भाई ने कि चल खेलेगा, ठीक है। मैंने बोला ठीक है खेलूँगा, ठीक है। तो मेरे को याद ही नहीं था मैंने स्टैंड उठा दिया चुका, ठीक है उठा चुका हूँ, फ़ोन निकाला और ऐसे देख रहा था। और जब मैं उतरने की मतलब भूल गया था कि स्टैंड मैंने मतलब लगाया नहीं है, ठीक है। और मैं जब उतर रहा था तब एकदम से बाइक कैसे हिल मतलब बाइक हिल गया, और गाइस बैलेंस नहीं हो पाया, हाथ में फ़ोन था हैंडल पकड़ा नहीं था, और मतलब पैरों में उतना ज़्यादा ताकत था नहीं कि अचानक से मैं उसे मतलब एकदम से पकड़ लूँ, मतलब इतना ज़्यादा भारी। मेरे हिसाब से मेरे को भारी लगता है क्योंकि मैं थोड़ा सा दुबला पतला सा हूँ, मैं उतना ज़्यादा मतलब मोटा सा नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से इसे मैं बहुत ज़्यादा भारी लगता है मेरे को, ठीक है। तो ये है लगभग 142 kg ऐसा है, ठीक है। तो मेरे लिए थोड़ा सा भारी ही लगता है गाड़ी को, ठीक है। लेकिन मैं अचानक ऐसे करा ना तो गाइस फटाक से गिर गया गाड़ी, और मतलब कुछ अलग ही सीन हो गया। मैंने सोचा कुछ टूटा वूटा नहीं है, लेकिन उसके बाद मैंने जब देखा गाइस क्लच लीवर तो चला गया था, क्लच लीवर टूट गया गाइस। थोड़ा सा ये भी चेंज करना पड़ेगा, ब्रेक पैड भी चेंज करना पड़ेगा। ब्रेक पैड कितना लगा पता नहीं मेरे को, वाइब्रेकर ही लगाऊंगा क्योंकि आलतू फालतू कुछ लगा दूंगा तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन देखती हूँ दुकान में जाके क्योंकि पास ही पहले एकदम से चला गया है मेरा, तो इसलिए मुझे जाके अभी ही चेंज करना पड़ेगा। तो क्या मिलता है देखती हूँ, बाकी जब शोरूम जाऊँगा तो ओरिजिनल वाला लगा लूँगा अगर नहीं मिलता है यहाँ पर तो। और क्लच भी चेंज कर लूँगा, क्लच भी मैंने यहाँ पर पूछा लेकिन क्लच बोला नहीं है, क्लच लीवर तो यहाँ पर नहीं मिलता है, तो देखती हूँ गाइस जब पूरी ले जाऊँगा तब चेंज कर लूँगा। इस बाइक को मैंने कल ही थोड़ा सा नहलाया, मतलब ये बहुत दिन से धोया नहीं था तो आज मैं धो दिया फाइनली, और देखो गाइस क्या लग रहा है गाइस, इसलिए तो इस पर दिल आ गया था गाइस। सो गाइस शुरू हो चुका है मेरा एमटी का जो ब्रेक पैड चेंज करना था मेरे को, वो खोल रहे हैं भाई, पिछले पहिया को निकालना पड़ेगा उसके बाद ही इसे चेंज किया जा सकता है। तो आप लोग जैसे जानते हो तो अभी पिछले पहिया को निकालने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही, तो इसे जो साड़ी गार्ड बोलते हैं मड गार्ड उसे निकाला गया, और यहाँ पर ब्रेक पैड निकल के आ चुकी है। तो अभी ब्रेक पैड को चेंज करूँगा, तो ब्रेक पैड आ रही है, ये वाला ब्रेक पैड मैं लगा रही हूँ जो देख सकते हो गाइस, ओरिजिनल वाला तो नहीं मिला बाइब्रेक का, तो यही लगा रही हूँ मैं। और यहाँ पर कैलिपर को पीछे किया जा रहा है क्योंकि कैलिपर एकदम आगे आ जाती है, एडजस्टेबल होता है ये लोग मतलब ये सब जो ब्रेक होता है एडजस्टेबल होता है, तो ऑटोमेटिकली जितना आपको जितना मतलब ये एकदम से घिस घिस के जाएगा ना उतना अंदर ये मतलब निकलता जाएगा। और यहाँ पर ब्रेक पैड भाई बहुत देर से लगा रही है लेकिन चेंज नहीं कर पा रहा था, मतलब ये देखो ब्रेक पैड पूरा घिस चुका है, तो मेरा एकदम से था नहीं, ये देखो गाइस इतना ज़्यादा घिस चुका है ब्रेक पैड, तो चेंज करना ही पड़ा ना था।
तो चेंज कर ही लिया फाइनली। तो देखो गाइस यहाँ पर जो ब्रेक पैड मैं लगा रही हूँ यहाँ पर, ये देखो गाइस कैलिपर है और ये पीछे किया जाएगा, देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये वाला चीज़ पीछे किया करेगा, उसके बाद इसे मतलब ब्रेक पैड आ जाएगा, उसके अंदर लग जाएगा ये वाला ब्रेक पैड। तो गाइस कंपनी मुझे नहीं पता लेकिन मैं लगा दिया। तो गाइस मतलब अभी तो रात होने जा रही है, तो गाइस यहाँ पर ये देखो ब्रेक पैड देख लो गाइस बाकी। सो गाइज अभी नेक्स्ट डे है और कॉलेज गया था, कॉलेज के बाद मैं अभी आ रही हूँ, तो घर जा रही हूँ मैं। घर जाने के समय मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि कल मैंने ब्रेक पैड चेंज कर लिया था। एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि शाम हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं बनाया था। तो आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं ब्रेक पैड चेंज कर चुका हूँ। यहाँ पर देखो गाइज ये देखो मेरा ब्रेक पैड चेंज हो चुका है, अभी मैं आप लोगों को दिखाया, एकदम घिस चुका था, मतलब एकदम पतला हो चुका था। तो हाँ चल जाता, और 200 किलोमीटर चल जाता, 200 किलोमीटर चलता है नहीं था वो मुझे पता नहीं, बट लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा घिस गया था। तो मैंने सोचा कि चेंज करा ही लेता हूँ, तो चेंज करा लिया फाइनली। सो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम देने गया था, एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ। आज था इंग्लिश का एग्ज़ाम, तो हो चुका है एग्ज़ाम और पता नहीं कैसा गया क्या होगा, बट गाइस ठीक है चलो होता है। और मैं एग्ज़ाम हो चुका है, अभी एग्ज़ाम होने के बाद अभी घर जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे गाइस, थोड़ा सा आप लोगों को मतलब बहुत दिन से वीडियो नहीं छोड़ रहा था, इसलिए एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ रहा है फ़ोन का स्टोरेज में, ठीक है। तो इसलिए मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ और फ़ोन के स्टोरेज एकदम फुल हो जा रहा है और वीडियो शूट नहीं कर पा रहे। तो मैंने सोचा कि एक फ़ोन लेना ही पड़ेगा, अभी मैं सोच रहा था कि 2 दिन बाद मैं लूँगा, ठीक है, ऐसा सोच रहा था कि थोड़ा सा देर करते हैं, थोड़ी देर बाद लेंगे, बट कैसे कहा नहीं होगा। और लेंगे तो अभी एकदम अच्छा वाला एक मोबाइल लेंगे, और कैमरा भी लेना है, जैसे आप लोग जानते हो कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। और हम लोगों का जो बड़ा बड़ा टूर वो होने जा रही है, शुरू होने जा रही है अभी, तो गाइस इसके लिए मैं जो है कैमरा एक ज़रूरत है ही, क्योंकि एक एक्शन कैमरा के बिना मतलब यहाँ पर माउंट करके रखना बहुत ज़्यादा मोबाइल को भारी हो जाता है, स्टोरेज प्रॉब्लम भी है। तो मैं सोच रहा हूँ एक मोबाइल तो लेना ही पड़ेगा एक अच्छा वाला, तो मोबाइल मैं ले रही हूँ, कौन से मोबाइल ले रही हूँ आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा, मैं नेक्स्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी तो नहीं, थोड़ी देर मतलब अभी भी देर है, मतलब बहुत ज़्यादा देर है ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत ज़्यादा पास है ऐसा भी कुछ नहीं है, मिडिल के टाइम में मैं लूँगा और एक अच्छा फ़ोन ही लूँगा, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा पैसा का ज़रूरत है ना, तो एक और हाँ थोड़ा सा बोलता हूँ कि एप्पल की तरफ जा सकती हूँ मैं, तो देखते हैं कब लेते हैं। और बस आज के लिए बस मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मेरा जुबान भी लड़खड़ा जा रही है, बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है बाय बाय। सो गाइस आज एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम सेंटर से निकल चुके हैं, अभी देखो पीछे सब लोग बारात ही है, यहाँ पर बारात देखो, और धूप में कुछ देख नहीं पा रहे। बाकी गाइस ये है कॉलेज, और गाइस एग्ज़ाम था, आज ही लास्ट है, उसके बाद उन लोगों के बाद नहीं रहेंगे, जाएंगे सीधा। तो गाइस यहाँ पर हाँ, तो गाइस यहाँ पर हम लोगों का गाड़ी खड़ा हुआ है और उधर चला गया सब लोग, बाकी यहाँ पर गाड़ी खड़ा हुआ है। देखो गाइस कॉलेज के अंदर सब लोगों का गाड़ी बाहर है, हमारा गाड़ी अंदर है। अंदर तो गाड़ी कॉलेज गर्ल को तो दिखा उधर घुमा के, भाई हमको कॉलेज गर्ल मिल गया। यहाँ पर बैग में लेके आया था मैं ये वाला, ये क्या है लीमन से, यहाँ पर क्या है पता नहीं, जो भी है। और एक है मेरे पास ये वाला फेंटा, क्योंकि मैं पीऊँगा भी। देखो गाइस शाम के टाइम हो रहा है और इतना सुंदर जगह, और यहाँ पर दो ये वाला बॉटल, ठीक है ये वाला दो मैं पीऊँगा, उसके बाद ये दोनों पीऊँगा और घर, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम होने में देर। आज मैं कॉलेज आई हूँ 30 मिनट में कॉलेज पहुँच चुका हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गया था और आज लास्ट है, तो इसलिए मुझे जल्दी से पहुँचना। लेमन का बहुत बुरा टेस्ट है, मैं नहीं खा पा रही, बहुत बुरा टेस्ट है। और उधर क्या चल रहा है पता नहीं, जैसे ऊपर चिल्ला रहा है कुछ लोग। ये तो कंप्लीट है लेकिन इसे यहाँ पर नहीं फेंक सकते, कचरा हो जाएगा इस जगह, तो बैग में समेट लेंगे ये दोनों को, एक्चुअली मैं इसे यहाँ पर नहीं रख सकता।
तो बैग में सिमेंट था।